मकबूदा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासपाना कब्जे के खात्मे के लिए बरसरे पेकार कश्मीरी आवाम को मोदी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 7 दहाइयों से शदीद इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफियों का सामना करना पड़ रहा है। मकबूदा जम्मू कश्मीर के आवाम रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म जबर और खून रेजी का मुशाहिदा कर रहे हैं। फस्ताए मोदी नाम नहाद जमहूरियत की आड़ में कश्मीरी आवाम का हर हक गस्प कर रहा है, जबकि मुतासिब भारतीय अदलिया ने भी कश्मीरी आवाम को कभी इंसाफ फराहम नहीं किया। मोदी हुकूमत ढिटाई से मकबूदा जम्मू कश्मीर के आवाम के हर हक को पामाल कर रही है। आर्मी बरदरी की मुजरमाना खामोशी सिर्फ मोदी को कश्मीरी आवाम के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से जुल्म सितम में इजाफे की तरगीब दे रही है। अलबत्ता ये एक खुली हकीकत है कि किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी और जबर कश्मीरी आवाम को अपनी आज़ादी और हक़ खुद इरादत के मुतालबे से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होने देगा। इंसाफ के बैन अक्वामी तौर पर तस्लीम शुदा असूलों के मुताबिक मसले कश्मीर का हल मकबूजा जम्मू कश्मीर में खून रेजी को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता है। मकबूजा कश्मीर में PDP सरबरा महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि फस्ताए मोदी हुकूमत कश्मीरी आवाम से इम्तियाजी सलूक रवा रखे हुए है। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत भर के लिए बिजली जम्मू कश्मीर से फ्राहम की जाती है और यही बिजली मोदी हुकूमत दीगर भारतीय रियासतों में मुफ्त देने का मनसूबा बना रही है। अलमिया यह है कि मकबूजा कश्मीर से हासिल होने वाली बिजली से कश्मीरी आवाम को ही शदीद सर्दी से बचने के लिए हीटर इस्तेमाल न करने के अहकाम सादिर किए जा रहे हैं। भारतीय रियासत गुजरात में 2002 के मुस्लिम कुछ फसादात का एक मुजरिम मनोज कुकरानी अपनी बेटी पायल कुकरानी की इंतखाबी मुहिम चला रहा है, जो BJP टिकट पर इंतखाब लड़ रही है। उम्र कैद की सजा पाने वाला मनोज कुकरानी को 2016 में जमानत पर रिहा किया गया था। इससे कबल चंद्रशेखर रावल को गोधरा की नशस्त के लिए BJP का टिकट जारी किया गया था, जिसने बिल्किस बानो इज्तमाही आबरू रेजी और इसके अहलखाना के कत्ल के मुकदमे के मुजरमों को महज़ ब्राह्मीन करार दिया था और वह गुजरात हुकूमत की कमेटी का हिस्सा थे जिसने उम्र कैद की सजा पाने वाले उन मुजरमों की रिहाई की मंजूरी दी थी। बदामेस्वाना भारतीय खुफिया इदारे रॉ के एक अफसर अंकित कुमार साकिन खटक उड़ीसा ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लोधी कॉलोनी में वाकई इदारे की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। ज़राए के मुताबिक मजकूरा अफसर ने शदीद असाबी तनाव के बाइस ये इंतहाई कदम उठाया है।